जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे दिव्य मंदिर में जहाँ पर प्रतिदिन चमत्कार होता है और यह चमत्कार सदियों से चली आ रही है। इस चमत्कार की खोज करने के लिए वैज्ञानिक भी यहाँ पर आए, लेकिन इसका निवारण नहीं निकल पाए, वो भी यहाँ से हार मानकर चले गए। आखिर जानते हैं इस मंदिर की सच्चाई क्या है? आज हम आपको लेकर आए हैं मैहर देवी मंदिर। मैहर देवी मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में पड़ता है। माता जी का प्रसाद लेकर अब हम भी लाइन में लग चुके हैं। चलिए हम आपको आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य प्लेस पर। देखिए कैसा अच्छा व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया है ताकि लोगों का भीड़ को कंट्रोल कर सके। आप देख पा रहे होंगे बैरिकेडिंग के माध्यम से लोगों को जाने की अनुमति मिल रही है। यहाँ पर हम भी उसी के माध्यम से जा पा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत प्लेस है ये। शारदा माता का यह मंदिर मैहर शहर में 600 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर माँ दुर्गा की शारदी रूप में देवी माँ का मंदिर स्थित है, जो मैहर देवी मंदिर नाम से पूरे जग में विख्यात है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक आस्थावान स्थान है। यहाँ पर श्रद्धालु जन ठीक उसी प्रकार दर्शन करते हैं जैसे जम्मू में माता वैष्णो जी का दर्शन करते हैं। माता मैहर देवी का मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1011 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं और साथ ही आप रोपवे के माध्यम से भी ऊपर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा अवेलेबल है। यही है मंदिर का मेन द्वार। अब देख पा रहे होंगे मंदिर के बाहर कितना खूबसूरत चित्रण किया गया है और खूबसूरत नक्काशियों का नमूना पेश किया गया है। मंदिर तक ऊपर पहुंचने के लिए सड़क भी बनाई गई है। अब गाड़ियों के माध्यम से भी ऊपर तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस समय नवरात्रि का टाइम है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आपको गाड़ी की सुविधा नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर आप रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ही लंबी कतार देखने को मिलेगी। अब देख पा रहा हूँ कि कितना खूबसूरत है यह द्वार। द्वार पर खूबसूरत नक्काशियाँ की गई है और यहाँ पर भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था भी की गई है। जगह जगह और पानी की व्यवस्था की गई है और लोगों को बैठने की भी व्यवस्था किया गया है ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर चारों तरफ सीसी कैमरे लगे हुए हैं। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, हमें तो रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी। देखिए ये लोग हमारे साथ आए हुए, हमारे फ्रेंड हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। आप देख सकते हैं हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं, 688 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। देखिए रोपवे चालिया जा रही है, श्रद्धालुगण दर्शन करके आ रहे हैं। महावीर आला उदल को वरदान देने वाली माता शारदा देवी को पूरे देश में माता शारदा के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर पहुँचकर बहुत ही सुकून की अनुभूति होगी। यह जो मंदिर है माता शारदा का, बहुत दिव्य और चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर प्रतिदिन चमत्कार होते रहते हैं। आज भी जब शाम की आरती होने के बाद माता जी का कपाट बंद कर दिया जाता है और सभी पुजारी नीचे चले आते हैं और मंदिर में लाख भी लगा दिया जाता है। मध्यरात्रि के समय यहाँ के शारदा मंदिर से घंटी की आवाज़ आती है और साथ ही पूजा करने की भी आवाज़ आती है। और सुबह जब माता जी का कपाट खोला जाता है तो प्रतिदिन की भांति रोज़ यहाँ पर माता जी का श्रृंगार किया हुआ मिलता है और साथ ही पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं। यह प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। मैहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी माता का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा जी का मंदिर खोलते हैं तो आज भी पहला पूजा आला ही द्वारा किया हुआ मिलता है, जिसमें माता जी का श्रृंगार किया हुआ मिलता है और मंदिर में फूल चढ़े हुए मिलते हैं। फाइनली हम
माता के दरबार में बहुत नहीं ये कहानी नारा लग रहा है, चांद कर माता जी का जगाना लग रहा है, पूरा पंडाल माता जी के दरबार है। माता जी का वह दिव्य मंदिर अब हमारे सामने आया था, अब देख पा रहा हूँ कितना भीड़ है और माता जी की एक झलक देखने के लिए सभी आतुर हैं। सभी लोग लगभग 3 से 4 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। अब देख पा रहे हैं कितना अद्भुत दृश्य है और लोगों के बीच नारे भी जम कर लग रहे हैं। देखिए कितना लंबा है भीड़। अब देख पा रहा हूँ कि बहुत ही सिक्योरिटी भी टाइट है यहाँ की और मंदिर के अंदर फोटो लेना भी मना है, इसलिए हम आपको सही ढंग से नहीं दिखा पाएंगे। देखिए फिर भी हमने कुछ ले वीडियो लेने का कोशिश किया है। मंदिर के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और प्रशासन द्वारा एक सेकंड की भी रुकने की किसी की अनुमति नहीं। वहाँ पर दर्शन करना है, दर्शन भी कर रहे हैं तो फिर चलते हुए हमने भी वैसे ही दर्शन की। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए ज़बरदस्ती ठेल दिया जा रहा है। माता जी का मुकुट दिखा था थोड़ा सा, इन कैमरे में नहीं आ पाया है क्योंकि पुलिसकर्मियों द्वारा यह सचेत किया जा रहा है कि मोबाइल को अंदर रख लो। देखिए हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। मंदिर के बाहर आते ही आपको बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। देखिए यही है वो दिव्य मंदिर जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की कथाएँ तो बहुत ही प्रचलित हैं और यहाँ की कहानियाँ भी बहुत हैं। यहाँ पर जो भी भक्तगढ़ अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएँ यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना भी है कि जो भी श्रद्धालुगण उनकी पूजा अर्चना करता है और अगर और उन्हें सच्चे दिल से याद करता है तो माता जी उन्हें किसी न किसी रूप में स्वयं खुद ही दिखाई देती हैं। चलिए हम और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए इस पेड़ पर एक नीचे सिंदूर और चूड़ियाँ चढ़ाई जा रही है माता जी का, जो श्रृंगार किया जाता है क्योंकि मंदिर के अंदर यह मंदिर के अंदर ही किसी को चढ़ाने नहीं दिया गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। चलिए और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का सबसे खूबसूरत जगह जो बहुत ही पॉपुलर है। माता जी के मंदिर में जो चमत्कार होता है उस वो बहुत ही अद्भुत है। इसे कारण कि बहुत ही बड़े स्तर तक भी मापा गया है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की भी टीम आई लेकिन यहाँ पर उनको कोई सफलता हासिल नहीं लगी। वैज्ञानिकों की टीम ने यहाँ पर डेरा जमाकर एक हफ्ते तक इसकी तलाशी ली लेकिन इस रहस्य का पर्दा वो नहीं उठा सके, ये रहस्य ही रह गया। यह रहस्य आज भी बरकरार है। मान्यता के अनुसार अल्लाह पर माता शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था और सबसे पहले माता जी का आरती आला ही करते हैं और आला की भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर आला को माता ने अमृत का वरदान दिया था। आला के जीवित होने का सबूत प्रतिदिन यहाँ मिलता रहता है और माता शारदा मंदिर जिसे 3 किलोमीटर की दूरी पर आला उदल का एक मंदिर और एक तालाब अखाड़ा आज भी मौजूद है। आज भी यह मानता है कि आला आज इसी अखाड़े में कुश्ती करता है और अखाड़े का मिट्टी प्रतिदिन आपको ताज़ी देखने को मिलेगी, जैसे किसी ने फावड़े से उसे खोदा हो, यह आपको रोज़ देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कितना अद्भुत दृश्य है और रोपवे की ट्रालियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी और देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। इस मंदिर के पास से आपको देखने पर पूरा मैहर क्षेत्र दिखाई देगा और बगल में देखिए आप एक खूबसूरत मंदिर। अगर आप सावन के समय में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की हरियाली देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देगी और खूबसूरत तालाब भी बहुत सारे दिखाई देंगे यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे कैसा अद्भुत दृश्य है। फिर भी इस गर्मी के मौसम में भी आपको यहाँ पर हरियाली देखने को मिल रही है। हम आपको मंदिर के पीछे साइड ले कर चलते हैं
देखिए कैसा सब लोग भीड़ में सब लोग लाइन लगाए हुए हैं। जो देखिए भैरव बाबा का भी मंदिर है यहीं पर। बहुत ही अद्भुत प्लेस है भाई साहब, देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। अगर आप फोटो शूट के दीवाने हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। यह जगह अपने आप में ही अद्भुत है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता भी बसी हुई है। बहुत ही कमाल की है प्रकृति। ऐसा दृश्य बहुत कम ही दिखाई देता है जो कि एक दिव्य स्थान पर है। अब देख पा रहे होंगे जगह जगह पर सिक्योरिटी भी लगी हुई है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो और कोई भी किसी भी समस्या से परेशान न रहे न पीड़ित रहे। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते रहते हैं, खासकर अपने भारत के हर एक प्रांत से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। देखिए कैसा दृश्य। चलिए और आगे लेके चलते हैं और यहाँ से दिखाते हैं इस खूबसूरती का नमूना। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार व्यू है। रोपवे की ट्रालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और साथ ही त्रिकुटा की पहाड़ी भी दिखाई दे रही है। क्या अद्भुत नज़ारा है भाई साहब, यह प्लेस देखकर तो मन खुश हो गया। हम इस जगह पर दूसरी बार आए हैं। चलिए और आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपको देखने के लिए। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर, चारों तरफ माता जी के जयकारे लग रहे हैं और सिक्योरिटी भी यहाँ की टाइट है और भक्तों का ख्याल रखने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था भी किया गया है और छावनी भी बनाई गई है ताकि लोग इतनी चढ़ाई चढ़कर यहाँ पर आराम भी कर सकें। अब देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है और जो सीढ़ियाँ बनी है उन पर भी छावनी नुमा बनाया गया है ताकि किसी को कोई भी समस्या ना हो और धूप भी ना लगे। बहुत ही अच्छा है यहाँ की व्यवस्था। हम तो आकर यहाँ पर प्रसन्न हो गए कि यहाँ के गवर्नमेंट ने इस मंदिर के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और यहाँ पर एक लंगर भी लगता है पहाड़ के नीचे। बहुत ही अद्भुत प्लेस है भाई साहब, यहाँ की खूबसूरती बहुत ही कमाल की है। आप देख पा रहे होंगे जो भी भक्तगण थके हुए हैं वो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। देखिए कैसा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और छावनी भी बहुत सारी छावनी बनी है, पूरे पहाड़ पर छावनी नुमा बनाया गया है और चारों तरफ पानी की भी व्यवस्था की गई है कि किसी को भी कोई समस्या ना हो। यहाँ पर आकर लोग अक्सर आराम करते हैं और अपने जो भी खाने की चीज़ें लिए होते हैं यहाँ पर बैठकर खाते हैं। देखिए कैसा खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से आपको चारों तरफ खूबसूरती दिखाई देगी। अगर आप बारिश के समय में रहते यहाँ पर आए होते तो देखते यहाँ का माहौल ही गजब रहता। चलिए हम आपको ले कर चलते हैं रोपवे के पास। रोपवे के पास जाने के बाद हमें बहुत ही लंबी लाइन देखने को मिली, इसलिए हमने फिर से सीढ़ियों का ही सहारा लिया क्योंकि रोपवे का नंबर आते आते 2 से 3 घंटे लग जाते। इससे अच्छा कि हम लोग सीढ़ियों से ही चलें। चलिए हम दर्शन करने के बाद नीचे उतर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ का व्यवस्था जो भी किया गया बहुत ही अच्छा किया गया है। बैरिकेटिंग भी किया गया है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो और सीढ़ियों के ऊपर आपको छावनी भी देखने को मिल रही है। देखिए बगल में है पहाड़ियाँ, माता जी बगल थोड़ा सा माता जी साइड, जिसका व्यू बहुत ही शानदार है। बहुत ही अद्भुत प्लेस है भाई साहब। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से पूरा
पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर दिल एकदम बाग बाग हुआ। हम तो यहाँ पर खड़े होकर गाना भी गा रहे थे, क्या करें, ऐसे प्लेस को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। चलिए और आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर भक्तगढ़ श्रद्धा भाव से दर्शन करने के बाद जा रहे हैं, उसी में हम भी लाइन लगाए हुए हैं, हम भी चलेंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है भाई साहब, इतना लंबा रास्ता कैसे कट गया वो एकदम पता ही नहीं चला। देखिए कैसा अद्भुत नज़ारा है, चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी और साथ ही सीढ़ियों के बाउंड्री पर जाली भी लगी हुई है ताकि कोई भी किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हमारे एक मित्र हैं जो कि दौड़ कर जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता खाली मिला उनको तो, और बगल से आप देख रहे होंगे श्रद्धालुगढ़ ऊपर भी जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। भवन देख नीचे कुछ ही समय में उतरने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है मंदिर का गेट, कुछ ही पल में हम भी सीढ़ियों से के माध्यम से नीचे आ जाएंगे। देखिए हम लोग अब नीचे आ चुके हैं। मंदिर के बाहर आते ही हमने दुकान से कुछ सामानें खरीदी और यहाँ पर पोहे का एंजॉय भी किया। आप देख पा रहे होंगे हमने पोहा लिया है जो कि 10 रुपये प्लेट मिला है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी है। चलिए अब इसका आनंद लेते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लोकेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।